दोस्तों, इतिहास में ऐसे कम ही मौके देखने को मिलते हैं जब किसी मुद्दे पर सभी मुस्लिम देश एक हो जाएं। लेकिन एक इंडियन पॉलिटिकल प्रवक्ता ने प्रॉफेट मोहम्मद पर टिप्पणी क्या कर दी, अरब के ये सभी मुस्लिम देश एक हो गए, जिसका असर इंडिया और इन मुस्लिम देशों में रहने वाले इंडियंस दोनों पर दिखा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हम पाकिस्तान को छोड़ दें तो दुनिया के लगभग 50 मुस्लिम देशों में से ज्यादातर के साथ हमारे रिलेशंस काफी फ्रेंडली हैं। और भले ही कुछ भी हो जाए, ये देश भारत के साथ अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहते। तो डालेंगे एक नजर उन कुछ मुस्लिम देशों पर जिनके साथ है हमारी जय और वीरू जैसी दोस्ती। Facts on your face. ओमान भारत का एक अच्छा दोस्त है। साल 1971 में जब बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो ओमान वो पहला मुस्लिम देश था जिसने भारत को सपोर्ट किया। भारत और ओमान के बीच के रिश्ते मजबूत होते चले गए, और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे डिफेंस सेक्टर से लेकर पॉलिटिकल रिश्ते भी ओमान से काफी अच्छे हैं। ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद की जनवरी 2020 में जब मौत हुई, तो भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओमान में 7.8 लाख भारतीय रहते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही देशों के बीच करोड़ों डॉलर का व्यापार होता है, और आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारत ओमान के लिए हर साल 17,000 करोड़ रुपए का माल एक्सपोर्ट करता है कतर। ओमान के अलावा भारत का एक और शानदार दोस्त कतर भी है, जहां से हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG मंगवाते हैं। 29 लाख की आबादी वाला ये देश एरिया के मामले में तो त्रिपुरा से भी छोटा है, लेकिन इसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है। भारत इसी देश से अपनी करीब 40% LNG मंगवाता है। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि साल 2016 में कतर ने अपनी LNG की कीमतों में सिर्फ भारत के लिए 50% तक की कमी कर दी थी। यही नहीं, कतर में भी करीब 7.5 लाख इंडियंस रहते हैं जो वहाँ की डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, और साथ ही साथ भारत और कतर की दोस्ती की इबारत भी लिख रहे हैं। सऊदी अरब। दोस्तों, सऊदी अरब से भारत का रिश्ता 75 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन बीच के कई साल सऊदी अरब पाकिस्तान के काफी करीब था। इन सालों के दौरान उसने पाकिस्तान को कई अरब डॉलर की आर्थिक मदद और सैन्य सहायता भी की, लेकिन जब यमन में सऊदी को सैनिकों की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने मदद करने से इनकार कर दिया। उससे पहले जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला और मारा गया, तभी सऊदी समझ गया था कि इसके साथ रहना ठीक नहीं है। उसके बाद से फिर सऊदी भारत से नजदीकियां बढ़ाने लगा। सऊदी भारत में डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और भारत फारस की खाड़ी में शांति। फारस की खाड़ी से ही भारत का 70% तेल इंपोर्ट होता है, इसीलिए जब तक ये इलाका शांत है तब तक हमारे तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी। भारत सऊदी से करीब 20% तेल मंगवाता है, जिसकी सालाना कीमत ही 30 अरब डॉलर्स है। और यही नहीं, इस देश में 30 लाख इंडियंस भी रहते हैं जो सऊदी की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। सऊदी को इंडिया से वर्कफोर्स मिलती है, और हमारा देश भी हर कदम पर सऊदी के साथ खड़ा रहता है, इसीलिए इन दोनों देशों के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। सऊदी अरब से भारत की दोस्ती इतनी गहरी है कि 2016 में पीएम मोदी जब सऊदी अरब पहुंचे तो उन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। और तो और, सऊदी में ही इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, और मक्का मदीना पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए पवित्र जगह है, इसीलिए हमारे कल्चरल रिलेशंस भी सऊदी के साथ भारत की दोस्ती को बढ़ावा देते हैं। UAE। सऊदी की तरह ही भारत की दोस्ती UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से भी है। दोनों देशों के बीच खूब व्यापार होता है। बीते साल UAE के साथ व्यापार के मामले में इंडिया दूसरे नंबर पर था। साल 2021 में सिर्फ चाइना से पीछे भारत का व्यापार UAE के साथ 38.5 बिलियन दिरहम का था। मतलब UAE की भारत से दोस्ती इतनी गहरी है कि उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। और दोस्तों, अब दोनों ही देश डिफेंस सेक्टर में भी एक दूसरे पर भरोसा जता रहे हैं। राफेल में हवा में फ्यूल भरने के लिए UAE ने ही भारत को प्लेन्स दिए हैं। यही नहीं, इंडियन नेवी और UAE की नेवी दोनों साथ मिलकर फारस की खाड़ी में मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है और अगले 5 सालों में आपस में बिजनेस को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का टारगेट है। बता दें कि यूएई भारत का भी तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत यहाँ से क्रूड ऑयल वगैरह खरीदता है और सबसे ज्यादा इंडियन जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो यूएई में ही रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इस देश में हमारे 35 लाख इंडियंस काम करते हैं, कमाते हैं और रहते हैं। ऐसे में इन दोनों ही देशों की दोस्ती एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। कजाकिस्तान तजिकिस्तान। दोस्तों, यूएई की तरह ही कजाकिस्तान के साथ भी भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं। साल 1992 में पहली बार कजाकिस्तान के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने और उसके बाद से साल दर साल ये दोस्ती मजबूत होती चली गई। भारत ने पहली बार कजाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी और हमारा कजाकिस्तान के साथ करीब 2.5 अरब डॉलर का व्यापार है, जो इस रीजन के किसी भी और देश से ज्यादा है। कुछ ऐसे ही रिश्ते भारत और तजाकिस्तान के भी हैं। ये दोनों ऐसे देश हैं जिनकी मदद से भारत किसी भी चीनी चाल को मात दे सकता है। अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के चलते भी इन दोनों देशों के साथ भारत की दोस्ती काफी गहरी है। इनके अलावा इंडोनेशिया और कुवैत समेत कई मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, जिसका फायदा वक्त वक्त पर हमें मिलता रहता है और हमारा देश भी इन मुल्कों को अपने साथ दोस्ती का फायदा पहुंचाता है। दरअसल दुनिया का कोई भी देश हो और किसी भी धर्म को मानता हो, वो भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे ही चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और इस लिहाज से एक बहुत बड़ा बाजार भी। यहाँ के लोग मेहनती हैं और बहुत कम पैसे पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसीलिए दुनिया हमारी इज्जत करती है और ये देश हमारे दोस्त हैं। ऐसे में जिन्हें ये लगता है कि भारत के मुस्लिम देशों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उनके साथ हमारी आज की ये वीडियो शेयर जरूर करनी चाहिए। खैर, ऐसी सभी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।